आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ हैज, हैव, हैड और विल हैव के बारे में कि इनका यूज हम किस तरह से सेंटेंस में करते हैं, और जब इनको यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तो हमें किस तरह का सेंस मिलता है और क्या सेंस आएगा हमारे सेंटेंस में जहाँ पर हम इनका यूज करेंगे, यानी हैज, हैव, हैड और विल हैव का। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इनका यूज हम कहाँ कहाँ पे किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, जो कि क्या बनाया गया है, कॉलम बनाया गया है और आपको वन बाई वन करके बताया जाएगा कि किस तरह से हम किसका यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, नंबर वन में सबसे पहले आपको हैज और हैव के बारे में पता चलेगा, उसके बाद नंबर टू में आपको हैड के बारे में पता चलेगा, फिर नंबर थ्री में आपको विल हैव के बारे में पता चलेगा। चलिए हम सबसे पहले हैज और हैव को देखते हैं कि हैज हैव का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए करते हैं। तो देखिए, हैज और हैव का पहला यूज क्या है कि जब हमारे सेंटेंस के लास्ट में पास है, यानी जब हमारे सेंटेंस में पास है का सेंस आएगा या सगे संबंधी है का सेंस आएगा तो हम उस सेंटेंस को बनाने के लिए हैज और हैव का यूज करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। उसके बाद जब आपके सेंटेंस में पास था का सेंस आएगा या सगे संबंधी थे का सेंस आएगा तो आप हैड का यूज करेंगे, और जब आपके सेंटेंस में पास होगा या सगे संबंधी होंगे के बारे में बात होगा तो वहाँ पे आप विल हैव का यूज करेंगे। चलिए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनको मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ कि किस तरह से बनेगा इस तरह का सेंटेंस और सेंटेंस क्या है। देखिए, पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक लैपटॉप है। यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक लैपटॉप है, यहाँ पे पास है का सेंस आ रहा है, और पास है का सेंस जब आएगा तो आपको किसका यूज करना है, आपको यूज करना है हैज और हैव का। तो इस सेंटेंस को आप हैज और हैव के यूज से बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा, आई हैव अ लैपटॉप। लैपटॉप मेरे पास क्या है, एक लैपटॉप है। अमन के दो भाई हैं, यहाँ पे देखिए अमन के दो भाई हैं, यानी सगे संबंधी है के बारे में बात हो रहा है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे हैज और हैव का यूज करके। कैसे बनेगा, अमन हैज टू ब्रदर्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे आई के साथ हैव का यूज किया गया है और यहाँ पे अमन के साथ हैज का यूज किया गया है। तो क्यों, तो देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आप हैज का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसी सेंटेंस के थ्रू हम ये जानेंगे कि हैड का यूज कैसे किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, मेरे पास एक लैपटॉप है, तो हमने यहाँ पे हैव का यूज किया। अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता कि मेरे पास एक लैपटॉप था, अगर यहाँ पे है के बजाय क्या हो जाता, था हो जाता, तो हम किसका यूज करते, तो फिर हम यहाँ पे हैव का यूज ना करके बल्कि किसका यूज करते, हैड का यूज करते। तो यहाँ पे सेंटेंस ये होता, आई हैड अ लैपटॉप। और यहाँ पे अगर ये होता अमन के दो भाई थे तो आप कैसे सेंटेंस को बनाते, आप वहाँ पे भी हैड का यूज करते और सेंटेंस ये हो जाता, अमन हैड टू ब्रदर्स। इस तरह से आप हैड, हैज और हैव का यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने है और था के बारे में जान लिया। अब हम जरा ये जान लेते हैं कि जब हमारे सेंटेंस में पास होगा, जैसे मान लीजिए अगर यही सेंटेंस इस तरह से होता कि मेरे पास एक लैपटॉप होगा, मेरे पास क्या होगा, एक लैपटॉप होगा, तो यहाँ पे देखिए पास होगा का सेंस आया है और पास होगा के सेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, विल हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कहेंगे आई विल हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप होगा, अमन के दो भाई होंगे, तो आप क्या करेंगे, अमन विल हैव टू ब्रदर्स। इस तरह से आप has, have, had और will have का यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, जिस सेंटेंस में पास है सगे संबंधी है, पास था सगे संबंधित हैं, पास होगा सगे संबंधी होंगे। अगर आपके सेंटेंस में इस तरह का सेंस आएगा तो आप इनका यूज करेंगे। ये यूज नंबर फर्स्ट था। अब हम चलते हैं इनके सेकेंड यूज पे और देखते हैं कि इनका सेकेंड यूज क्या कहता है। यहाँ पे देखिए, has, have का यूज
यहाँ पे बताया गया है सेकंड यूज। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि हम हैज और हैव का यूज कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हैज और हैव का यूज किया जाता है। और इस सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम मैच जीत चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम मैच जीत चुके हैं, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए हैज और हैव का यूज करेंगे, क्योंकि हमें सेकंड यूज में यही बताया गया है। अब देखिए सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, उसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। हम मैच जीत चुके हैं, तो आप सेंटेंस को जब बनाएंगे तो ये बनेगा वी हैव। अब यहाँ पे देखिए, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, हैव के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वी हैव। अब किसके मतलब होता है जीतना, विन, और विन की सेकेंड फॉर्म यानी सॉरी थर्ड फॉर्म क्या होगा, वोन, वी हैव ओन द मैच, वी हैव ओन द मैच, हो गया, हम मैच जीत चुके हैं। रोहन खाना बना चुका है, ये भी सेंटेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए, रोहन खाना बना चुका है, तो आप सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा रोहन हैज कुक्ड फूड, रोहन खाना बना चुका है। आप इस सेंटेंस को देखिए किस तरह से बनाए हैं, हैज और हैव का यूज करके। अच्छा, अब आपके सेंटेंस में मान लीजिए ये सेंटेंस अभी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के लिए हमने हैज और हैव का यूज किया। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस हमारा पास्ट का हो जाता, जैसे यहाँ पे है के बजाय क्या हो जाता, था हो जाता, तो हम सेंटेंस को किस तरह से बनाते, तब हमारा वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाता। और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस होता, वी हैड वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके थे, रोहन खाना बना चुका था। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हैज को रिमूव करके हैड का यूज करेंगे, तो वो सेंटेंस होगा रोहन हैड कुक्ड फूड। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। उसी के साथ अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में किस तरह से विल हैव का यूज किया जाएगा। देखिए, ये सेंटेंस पास्ट और प्रेजेंट किस तरह से बनता है मैंने आपको बता दिया। अब अगर बात होगी फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हैव को और हैज को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और इसके जगह पे आपको विल हैव का यूज कर देना है। तो ये सेंटेंस होगा, हम मैच जीत चुके होंगे, तो ये बनेगा वी विल हैव वोन द मैच, रोहन खाना बना चुका होगा, रोहन विल हैव कुक्ड फूड। तो इस तरह से आपने देखा कि हैज, हैव, हैड और विल हैव का यूज हम किस तरह से सेकंड यूज यानी इस तरह के सेंस के लिए करते हैं और परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में किया जाता है। अब हम देखेंगे इसके तीसरे यूज को। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है हैज, हैव, हैड और विल हैव का तीसरा यूज, कि कहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, हैज और हैव का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में करना है या करना पड़ता है का सेंस आएगा, तब आप किसका यूज करेंगे, हैज और हैव। लेकिन एक चीज और, कि आप इसके साथ क्या करेंगे, टू का यूज कर देंगे, जैसे हैज टू और हैव टू। अगर इन सब के बारे में आपको नहीं पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, हैज टू और हैव टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं, हैड टू का यूज किस सेंस के लिए किया जाता है, और विल हैव टू का यूज कहाँ पे किया जाता है, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, तो आप क्या करिए, पिछले वीडियो लेक्चर में जाइए, वहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से हम इन सभी टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं और किस तरह से उन सभी सेंटेंस को बनाया जाएगा जिस सेंटेंस में ये सभी सेंस आएगा, मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, हैज और हैव का यूज हम कब करेंगे, जब हमारे सेंटेंस के लास्ट में करना है या करना पड़ता है का सेंस आएगा, तब हम हैज और हैव का यूज करेंगे, और इसके साथ क्या लगा के, टू का यूज करके आप हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलना है, बोलना है मतलब करना है, अब करना है का सेंस आ रहा है, तो करना है के सेंस के लिए हम हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश मेरे साथ, तो विद, यहाँ पे देखे स्पेस नहीं है, विद मी, उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलना है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश विद मी।
हमें एक मोबाइल खरीदना है। यहाँ पे देखिए करना है का सेंस आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वी हैव टू टेक अ मोबाइल। मोबाइल इस तरह से आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं, यानी हैज़ का और हैव का यूज़ करते हैं करना है के सेंस के लिए। अगर यही सेंटेंस ये होता कि उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलना पड़ता है यानी करना पड़ता है, तो हम इस सेंटेंस को इसी तरह से बनाते हैं, ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश विद मी। हमें एक मोबाइल खरीदना पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, वी हैव टू टेक अ मोबाइल। तो यही सेंटेंस दोनों सेंस के लिए है, चाहे वो करना है चाहे करना पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलना था, तो आप क्या करेंगे, आप हैज को रिमूव करके हैड का यूज़ कर देंगे, क्योंकि हैड का यूज़ क्या है, करना था, करना पड़ा, करना पड़ता था। यानी जब आपके सेंटेंस में करना था, करना पड़ा या करना पड़ता था का सेंस आएगा, तो आप हैड का यूज करेंगे टू के साथ। तो आप सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश विद मी, उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलना था, उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलना पड़ता था, उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलना पड़ा। ये सेंटेंस तीनों सेंस के लिए है, आप किसी भी सेंस के लिए इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम बात करेंगे विल हैव के बारे में। देखिए विल हैव का तीसरा यूज क्या कहता है कि जब आपके सेंटेंस में करना होगा या करना पड़ेगा का सेंस आएगा, तो आप किसका यूज करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या कहना है, उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलना होगा या बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे, आप ये कहेंगे कि ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश विद मी, उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलना होगा, बोलना पड़ेगा। तो आप जब भी इस तरह के सेंस को पाते हैं अपने सेंटेंस में, करना है करना पड़ता है, करना था करना पड़ा, करना पड़ता था, करना होगा करना पड़ेगा, तो आप किसका यूज करते हैं, हैज, हैव, हैड और विल हैव का यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप हैज, हैव, हैड और विल हैव का यूज करेंगे अपने अलग अलग तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। जब आपके सेंटेंस में जिस तरह का सेंस मिलता है, तो आप उसका यूज करिए, यानी हैज और हैव का यूज करिए सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।